नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल नए डिज़ाइन का, नए स्टाइल का हैंडबैग, जो कि आपने इससे पहले किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा। बहुत ही आसान और सिंपल है इसे बनाना और दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए, अंदर इसमें काफ़ी स्पेस है, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा रख के कहीं भी ले जा सकते हैं। इसे आप किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इस बैग को बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने लिया है अस्तर। अस्तर के लिए आप कोई सा भी कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पुराना बेडशीट यूज़ कर रही हूँ। बीच में फोम रखेंगे, उसके ऊपर ये मेन फैब्रिक। अगर आपको फोम नहीं मिल पा रहा है तो आप उसकी जगह वो जो आटे या चावल की बोरी आती है उसको रख के भी इस बैग को बना सकते हैं। अब इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 16 इंच। ये 16 इंच चौड़ा है और इसकी लंबाई 25 इंच है, यानी कि 25 इंच लंबा है। ये तीनों को मिला के मैंने सिलाई कर ली है, क्विल्टिंग कर ली है। अब तीनों को मिला के सिलने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा अस्तर वगैरह निकला हुआ है उसको सबको काट के बराबर करेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये चारों तरफ से मैंने इसको काट कर बराबर कर लिया है। अब हम बेल्ट तैयार कर लेते हैं। तो बेल्ट के लिए ये मैं रेडीमेड बेल्ट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कपड़े का भी बेल्ट बना सकते हैं। इसकी लंबाई 25 इंच है, यानी कि 25 इंच लंबा। इस तरह का दो बेल्ट हमें लेना है। इस बेल्ट की चौड़ाई 1.5 इंच है, 1.5 इंच है। अगर आप कपड़े का बना रहे हैं तो इस नाप से आप कपड़े की कटिंग कर सकते हैं। अब हम कोई सा भी ये कपड़ा लेंगे इस तरह से, चाहे तो आप पतला वाला फॉर्म भी ले सकते हैं। अब इसको इस तरह से ये चार फोल्ड करके और बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करके और ये किनारे हम सिल लेंगे। तो इससे क्या है, जो बेल्ट का शेप वो हल्का सा गोल हो जाएगा, जिससे ये बैग दिखने में खूबसूरत लगेगा। बस इसको इस तरह से बराबर करके ये किनारे पर हम इसको सिलाई कर लेंगे। ये बेल्ट हमारा तैयार हो गया। इसी तरह से दूसरा वाला बेल्ट भी हम रेडी करेंगे, इसी तरह से सिल लेना है। ये देखिए, दोनों बेल्ट मैंने सिलाई कर ली है। अब इसको हमें बैग में लगाना है। तो पहले ये जैसे कि ये 15 इंच हो गया है क्विल्टिंग के बाद, तो इसका आधा लेना है, यानी कि 7.5। ये बिल्कुल बीच में मैंने निशान लगाया है। उसके बाद दोनों साइड से 3 इंच पे निशान लगा लेना है और फिर इस तरह से बेल्ट को रख के सिलाई कर लेंगे। एक सिलाई यहाँ लगानी है और एक सिलाई उस तरफ। बिल्कुल उसी तरह से हम दूसरी साइड भी इस तरह से नाप लेंगे। तो बीच में निशान लगा के और दोनों साइड से 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है हमें, और फिर इसमें इस तरह से ये बेल्ट को सिलाई कर लेनी है। ये दोनों बेल्ट बैग में लग गया है। अब हम एक कोई सा भी कलर का कपड़ा लेंगे जिसका हमें फ्रिल बनाना है। तो इस तरह का ये मेरे पास ब्लैक कलर का कपड़ा है, तो मैं इसको ले रही हूँ, जिसकी चौड़ाई 3.5 इंच है, यानी कि 3.5 इंच चौड़ा है ये, और इसकी जो लंबाई है वो 37 इंच है। अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को इस तरह से बिल्कुल बीच से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और फिर इसमें इस तरह से चुन्नट देंगे, जैसे कि हम सलवार में या स्कर्ट में देते हैं। बिल्कुल उसी तरह से इस तरह से फ्रिल हमें बना लेना है। चाहे तो आप डायरेक्ट इस पर मशीन चला लें या फिर
सुई धागा से पहले कच्चा सिलाई कर लें, उसके बाद इस पे मशीन चलाएं। तो बस इस तरह से इसमें इसको कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से चुन्नट देते हुए और सिल लेना है। ये एक साइड बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम फ्रिल देंगे कपड़े को फोल्ड करके। बस इस तरह से चुन्नट देकर दूसरी साइड भी सिलाई कर लेना है हमें। ये दोनों साइड ये चुन्नट मैंने इसमें दे दी है, ये देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर हमें जिप को सिलना है। तो बस जैसे कि हमने बैग को रखा है उसके ऊपर जिप को उल्टा रखेंगे, तो जिप की जो लंबाई है वो 15 इंच है, 15 इंच लंबा है ये जिप। इस तरह से ये जिप को देखिए इसके ऊपर उल्टा रख के हम एक किनारे से दूसरे किनारे तक सिलाई करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से दूसरी साइड भी हमें सिलना है। तो पहले देखिए एक साइड का मैं आपको ये सिल के दिखाती हूँ। तो जैसे कि ये कपड़े को हमने रखा है उसके ऊपर ये जो फ्रिल किया है उसके ऊपर इस तरह से जिप को रख के और सिलाई करनी है। अब देखिए ये ऊपर से सिलाई हमने कर ली। अब क्या करना है हमें, इस तरह से जिप को पलटना है, फिर ये जो फ्रिल वाला जो कपड़ा है उसको हम पलटेंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर ये जो बेल्ट है उसको भी पलट लेंगे और फिर ऊपर से हम एक दाब सिलाई चलाएंगे, प्रेस स्टिच। ये देखिए एक किनारे से दूसरे किनारे तक इस तरह से पलट कर और इसके ऊपर से ये सिलाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ सिलाई करनी है। ये तो एक साइड हो गई है, तो ये जिप को हम बीच से खोल लेंगे और फिर इसको दूसरी साइड लगाकर सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल जैसा कि हमने पहली बार जिप को सिला था। ये जिप को मैंने ये फ्रिल के ऊपर कपड़े के ऊपर उल्टा रखा है और फिर इसको सिलाई किया है। अब ये ऊपर की तरफ से सिलाई हो गई है। अब बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमने पहले वाले में पहली साइड पलट के सिला था, तो इसमें भी ऊपर से इस तरह से प्रेस स्टिच या दाब सिलाई चलाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। ये बेल्ट भी लग गया, फ्रिल भी लग गया, जिप भी लग गया। अब इसमें हम रनर लगा लेते हैं। इस तरह से इसमें रनर लगाएंगे दोनों साइड। ये रनर हमारा इसमें लग गया है। अब ये बैग को उल्टा करेंगे और फिर दोनों साइड सिलेंगे, इसका दोनों किनारा सिलेंगे। तो ये देखिए बैग को ये उल्टा कर लिया है मैंने। अब इसको इस तरह से पकड़ के बराबर करते हुए ऊपर की तरफ से जहाँ पर ये जिप है वहाँ से पकड़ के इसको बैक को और नीचे तक सिलाई करनी है। अब
बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी हम सिलाई करेंगे। ये दोनों साइड मैंने सिल लिया है। अब ये क्या करेंगे, बैग में हम नीचे की साइड से ये 2 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और ये 2-2 इंच पे ये इसका बॉक्स बना लेंगे दोनों साइड, और फिर जहाँ से हमने निशान लगाया है वहाँ से इसको कट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से। अब बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी हम निशान लगा लेंगे, देखिए 2 इंच पे इस तरह से बॉक्स बना के, और फिर इसको कट करना है। अब ये जो हमने कट कर लिया है ना, इसको इस तरह से पकड़ के सिलाई करनी है। देखिए ये बीच वाला हिस्सा और जहाँ सिलाई की है, हम दोनों को मिला के एक किनारे से दूसरे किनारे तक हम सिलाई करेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड भी हम सिल लेंगे, ये देखिए इस तरह से। लेकिन पहले जहाँ पर हमने सिलाई की है वहाँ पर इस तरह से ये कपड़ा लगा लेंगे, पट्टी लगा लेंगे, जिससे कि हमारी ये जो सिलाई है वो दिखे ना। इस तरह से कोई सा भी कपड़ा लेके आप इसमें लगा सकते हैं, जिससे कि हमारी ये जो सिलाई है वो दिखे ना। अब ये दूसरी तरफ से इसको फोल्ड करके और फिर वापस से इसको सिलाई करेंगे। इससे क्या है कि बैग भी हमारा मजबूत हो जाएगा और बैग को एक अच्छी सी फिनिशिंग मिल जाएगी। अब ये देखिए इस तरह से सिलने के बाद अब इसको पकड़ के हम ये सिलाई करेंगे नीचे का हिस्सा। अब जैसा कि हमने ये पहली साइड सिला था उसी तरह से इस तरफ भी हम सिलाई करेंगे। तो पहले ये जो कपड़ा है ये इसको लगा लेंगे, इसको सिलाई कर लेंगे, उसके बाद ये नीचे का हिस्सा सिलेंगे बैग में। अब ये जो नीचे की तरफ हमने सिलाई की है उसमें भी इस तरह से ये कपड़ा हम लगा लेंगे, लगा के सिल लेंगे, ताकि ये जो सिलाई है हमारी दिखे ना। इससे बैग हमारा दिखने में सुंदर लगेगा और इसको अच्छी सी फिनिशिंग मिल जाएगी। अब इसको भी इस तरह से फोल्ड करके हम सिलाई करेंगे। दोनों साइड ही हम सिल लेंगे इस तरह से। वापस से इसको इस तरह से फोल्ड करके फिर सिलाई करेंगे। ये देखिए ये दोनों साइड ये सिलाई हो गई है और ये दिखने में भी अच्छा लग रहा है। अब हम इसको बैग को सीधा करेंगे। बैग को सीधा करने के बाद ये जो साइड में है ना, ये जो हमने ये जो फ्रिल लगाया है उसको इस तरह से पकड़ के, ये देखिए ये यहाँ से लेके ये किनारा जो दिख रहा है ना वहाँ तक हम इसको सिलाई करेंगे। इस तरह से दोनों साइड हमें इस तरह से सिल लेना है। ये देखिए ये दोनों साइड मैंने सिलाई कर ली है। दोनों साइड इस तरह से हमें सिलाई कर लेनी है। ये दोनों साइड मैंने सिल लिया है। बैग हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत और कितना सुंदर बना है, और बनाना भी इसको बहुत आसान है, बहुत ही जल्दी बन जाता है।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छे अच्छे नए नए वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।